गुड मॉर्निंग एम डी एस यूनिवर्सिटी के बी एस सी पार्ट सेकेंड बायो के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन स्टडी कर रहे हैं वह प्रोसेस जिससे एनिमल्स बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिज्म के नाइट्रोजेनस बाय प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं और इस प्रोसेस से एनिमल्स अपना ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करते हैं आई एम डॉक्टर भारती प्रकाश एसोसिएट प्रोफेसर SPC Government College, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ़ नेफ्रॉन स्टडी किया था और देख पाया था कि नेफ्रॉन क्या है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी आज हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो स्टडी करेंगे सो so, नेफ्रॉन क्या था इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ईच नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट से बनता है मेल्फीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल मेल्फीजियन कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्स्यूल जबकि रीनल ट्यूब्यूल जो है वो तीन पार्ट से बनता है प्रोक्सीमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यह हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हालांकि हर नेफ्रॉन में ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि जो मेलफीजियन कॉर्पसल्स हैं वो किडनी मास में कितने डीप प्रेजेंट हैं ठीक है और सेकेंड कि जो लूप ऑफ है वो कितना लंबा है इन दो डिफरेंसेस की वजह से नेफ्रॉन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और मेडुलरी जक्स, नेफ्रॉन सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का इसमें क्या होता है कि जो मेलफिजन कॉर्पसल्स होते हैं वो रीनल कॉटेक्स आउटर पार्ट जो है रीनल कॉटेक्स का वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो लूप ऑफ हैनल होता है इनका वो काफ़ी छोटा होता है वो शॉर्ट लूप ऑफ हैनल जो है वो इसमें होता है और ये लूप ऑफ हैनल जो है वो आउटर रीनल मेडुला में पेनिट्रेट करता है और जो वेस्कुलर नेटवर्क होता है इसमें कॉटिकल नेफ्रॉन्स में वो भी काफ़ी छोटा होता, वो होता है।, है वो भी स्मॉल होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं ह्यूमन किडनी में 85 फाइव परसेंट नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉटिकल नेफ्रॉन्स होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं वो जो है ह्यूमन बॉडी में जितना भी रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो इनके द्वारा होता है और रीऑब्जॉर्बशन जो रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है वो भी ज़्यादा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के द्वारा ही होता है सेकेंड तरह के नेफ्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये भी किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही होते हैं इनमें जो ग्लोमेरुलस है वो कॉटेक्स में काफ़ी डीप लोकेटेड होता है और वो कॉटिको मेड्यूलरी बॉर्डर जो है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है जेक्सटा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है उसमें का जो लूप ऑफ हैनल है वो लॉन्ग होता है और वो रीनल मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है और यह जो लॉन्ग लूप ऑफ हैनल है ये जो है वास्ट रेक्टा से जो है उससे के लार्ज नेटवर्क से वो सराउंडेड होता है यानी कि जो वेस्कुलर नेटवर्क है इसका वो काफ़ी लार्ज होता है रीनल कॉर्पसल्स जो होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के वो काफ़ी क्लोज होते हैं रीनल मेडुला के जेक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन किडनी में यह फिफ्टीन परसेंट ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो जो है वो जेक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं और यह है जेक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है यह यूरिन को कंसनट्रेट या डायल्यूट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वान्टिटी ऑफ वाटर दैट इज एब्बॉर्ब बाय वास रेक्टा नौ इस फिगर में हम जो है कॉटिकल और जेक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन दोनों को स्टडी कर सकते हैं हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जिसमें कि हम ग्लोमेरुलस को अलग देख रहे हैं एफरेंट इफरेंट आटीरियल जो हैं उसको हम अलग से देख सकते हैं प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल जो है वो अलग कलर का है और ना डिजिटल जो लूप ऑफ हैनल है वो अलग कलर का है और जो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो अलग कलर के हैं तो डिफरेंट कलर्स में इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं नेफ्रॉन के वो इसमें मार्क किए हुए हैं ना सबसे पहले हम देखेंगे कॉटिकल नेफ्रॉन ये पोर्शन जो है दिस इज दॉटिकल नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कहाँ देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है दिस इज़ द दिस पोर्शन इज रीनल कॉटेक्स और ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है ये है रीनल मेड्यूला और ये है जो रीनल मेड्यूला में भी क्या है कि ये रीनल मेड्यूला का इनर जोन है और ये रीनल मेड्यूला का आउटर जोन है अब हम जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन को देखते हैं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेल्फीजियन कॉर्पसल्स है ठीक है ये जो मेल्फीजियन कॉर्पसल है पर्पल कलर का हम देख रहे हैं मेलफीजियन बॉडी जो है ये कहाँ लोकेटेड होता है ये आउटर पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है देखिए ये है रीनल कॉर्टेक्स हम देख सक रहे हैं यहां से लेके यहाँ तक रीनल कॉर्टेक्स है और जो मल्फिजियन कॉर्पसल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है आउटर पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स ठीक है ये पूरा रीनल कॉर्टेक्स है उसके ये बाहर की तरफ जो है ये प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हैनल जो है इसका वो छोटा ही होता है शॉर्ट लूप ऑफ हैनल जो है वो इसमें प्रेजेंट है और वो भी आउटर रीनल मेडुला तक पेनिट्रेट होता है यह रीनल मेडुला है और यह रीनल मेडुला की आउटर जोन है और यह रीनल जो सॉरी रूप ऑफ हैनल जो है वो इस आउटर जोन तक ही जो है वो पेनिट्रेट होता है मेडुला के ऑन द अदर हैंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये वाला इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो ग्लोमेरुलस है वो डीपली प्रेजेंट होता है कॉटेक्स में ठीक है ये जो कॉटेक्स है रीनल कॉटेक्स इसमें ये डेप्थ में प्रेजेंट है यहां पर ये कहाँ था कॉटिकल नेफ्रॉन में ये आउटर कॉटेक्स में था यहां पर ये डीप कॉटेक्स में प्रेजेंट है जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का जो लूप और फेनल है वो बहुत लंबा है हम देखिए दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो है वो बहुत लंबा होता है और वो जो है रीनल मेड्यूला के बहुत डेप्थ तक अंदर तक जो है इनर जोन जो है वहाँ तक जाता है और फिर यू टर्न लेकर वापस आउटर जोन में आता है ठीक है हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस हो गया यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस जो है वो आउटर रीनल कॉटेक्स में प्रेजेंट है जबकि जेक्स्ट्रा मेडुलरी में ये रीनल कॉटेक्स के डेप्थ में प्रेजेंट है लूप और फैनल जो है दोनों के वो भी डिफरेंट हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये छोटे होते हैं और सिर्फ जो है वो रीनल कॉटेक्स के आउटर जोन तक पेनिट्रेट करते हैं जबकि जेक्स्ट्रा मेडुलरी का जो लूप ऑफ फैनल है वो बहुत लंबा होता है और इनर जोन जो है रीनल मेडुला के वहाँ तक ये जाते हैं तो यह स्ट्रक्चर हमने अभी कॉर्टिकल और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का देखा डिफरेंसेस इनके अगर हम स्टडी करें तो हम इनको नाइन डिफरेंसेस हम इसमें देख सकते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन वर्सेस जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है कॉटिकल नेफ्रॉन क्या है वो नेफ्रॉन वह है जिसमें कि लूप ऑफ हैनल जो है वो पेनिट्रेट करता है आउटर रीनल मेडुला तक जबकि जेक्स्टा मेडुलरी का नेफ्रॉन जो है उसमें जो लूप ऑफ हैनल है वो एक्सटेंड करता है डीप इनटू द रीनल मेडुला ठीक है ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट में हम लूप ऑफ हैनल देखेंगे कॉटिकल नेफ्रॉन जो है उसमें लूप ऑफ हैनल जो है वो छोटा होता है जक्स्टा मेड्यूलरी में ये लूप ऑफ हैनल जो है वो लंबा होता है लूप ऑफ हैनल कॉटिकल नेफ्रॉन में एक्सटेंड करता है सिर्फ आउटर रीनल मेड्यूला तक जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में यह एक्सटेंड करता है इनटू द डीपर रीनल मेड्यूला ग्लोमेरुलस की हम अगर बात करें तो इसमें इट कंटेन्स अ रिड्यूस्ड वास रेक्टा जबकि इसका जो वार्स है वो बहुत बड़ा होता है ग्लोमेरुलाय जो है वो लोकेटेड होते हैं आउटर रीनल कॉटेक्स में जबकि इसका जो ग्लोमेरुलस है इट इज लोकेटेड नियर द कॉटिको मेडुलरी बॉर्डर इसमें स्मॉल होते हैं ग्लोमेरुलाय जबकि जेक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं कंटेन लार्ज ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन रेट अगर हम देखें तो जो कॉटिकल नेफ्रॉन है उसमें ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो लो होता है जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हाई ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है क्योंकि इसमें लार्ज ग्लोमिरुलस होता है फिर नेक्स्ट हम उसकी अक्रेंस अगर देखें तो किसी भी किडनी में एट्टी फाइव परसेंट नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉटिकल नेफ्रॉन्स होते हैं जबकि फिफ्टीन परसेंट जो है वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं फंक्शंस की, है की अगर हम इनकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो कॉटिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी रेगुलेटरी फंक्शन जो है किडनी के वो परफॉर्म करते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यूरिया को कंसंट्रेट या डाइल्यूट करने में सो so, ये जो है डिफरेंसेस हैं बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सो आफ्टर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड टाइप्स ऑफ नेफरॉन्स जो कि हमने दो तरह के स्टडी करे कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेंगे जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है उसको स्टडी करेंगे